बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट पंकज ने कॉल करके कहा था, पापा मैं घर आ रहा हूं। लेकिन पंकज घर नहीं पहुंचा, वो लापता हो गया। दूसरे शहर में लापता पंकज का सुराग मिला। पंकज की लाश कब्र में दफन थी। आखिर ये कब्र किसने बनाई, कौन है पंकज का कातिल, इस कत्ल का कनेक्शन एक लव स्टोरी से है। देखिए रिपोर्ट। पापा मैं घर आ रहा हूं, कब्र में दफन खौफनाक रात, दो जिगरी यार एक हो गया लापता, खरगोन टू खंडवा खौफनाक साजिश। दोस्ती के रिश्ते का दी एंड, इश्क का खुला राज, कब्र में दोस्त की लाश। 22 साल का पंकज करोड़े सनावद में बीए सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। 17 मई को उसने घर फोन लगाकर यही कहा था, पापा मैं घर आ रहा हूं। लेकिन पंकज घर नहीं आया, बल्कि अगले दिन 18 मई को खरगोन के भीकन गांव में पंकज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। पंकज खरगोन के सिराली गांव का रहने वाला था। 17 मई को बस से सनावत के लिए निकला, सिराली से 10 किलोमीटर दूर दौड़वा गांव में बस से उतरा, लेकिन घर नहीं पहुंचा। पंकज का सुराग मिला खंडवा पुलिस को। भीकन गांव थाना क्षेत्र के सिराली गांव का ये युवक, जिसकी गुमशुदगी 18 तारीख को थाना भीकन गांव में कराई गई थी। कल भीकन गांव पुलिस ने संपर्क किया था धन गांव में, और ये बताया था कि वहाँ 17 तारीख को सिराली गांव के पंकज नाम का व्यक्ति गुम हुआ था। संभवतः उसकी डेड बॉडी अतर गांव के पास है। इस सूचना पर थाना प्रभारी धनगांव और भीकन गांव की टीम वहां गई थी। ये वही सुनसान इलाका है जहां पंकज की गुमशुदगी का राज दफन था। इस इलाके में कब्र से हाथ नजर आया। जब कब्र खोदी गई तो उसमें से लाश निकली। ये लाश लापता पंकज की थी। आखिर सिराली जाने वाला पंकज खंडवा के धनगांव में कैसे पहुंच गया? मर्डर का कनेक्शन जुड़ा पंकज के जिगरी यार प्रदीप से। प्रदीप ने अपने दोस्त पंकज की हत्या की थी और लाश को यहां गाड़ दिया। फिर जब जांच की तो पता चला कि मृतक जो कि पंकज है, उसी के ही साथी जो कि प्रदीप है, उसने उसको ले जाकर खंडवा जिले के धनगांव के पास में अतर गांव की पहाड़ी क्षेत्र में मार के और उसको गाड़ दिया। वेरीफाई करने पे पता चला कि वहाँ एक डेड बॉडी है, जिसको आइडेंटिफाई करने पे पंकज नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी पाई गई। दरअसल पंकज और प्रदीप दोनों जिगरी यार थे। दोनों एक दूसरे से अपने सीक्रेट शेयर करते थे। उठना बैठना घूमना फिरना सब साथ ही होता था। लेकिन प्रदीप जिस लड़की से प्यार करता था, लड़की के घर वालों को उस प्यार की खबर लग गई। आरोपी प्रदीप को पता चला कि उसके इश्क का राज दोस्त पंकज ने खोला है। आरोपी प्रदीप का एक महिला से प्रेम प्रसंग चलता था और उसके संबंध में मृतक को जानकारी थी। अभी प्राथमिक जानकारी में पता चला है कि ये जानकारी मृतक के द्वारा महिला के परिजनों को बताने के संबंध में आरोपी को पता चला, और आरोपी ने उस बात को लेकर बदले की भावना से मृतक को मार दिया और उसको अतर गांव के पास में मार के गाड़ दिया। इश्क के राज खुलने का ये खौफनाक बदला था दोस्ती की कब्र। खंडवा में अमित जायसवाल और खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। उन दोनों की लव स्टोरी की खबर परिवार वालों को लगी। इन लव स्टोरी में पहले घर वाले विलन बने और क्लाइमेक्स में खुद लवर ही बन गया खलनायक, जिसने कहा हां मैंने गर्लफ्रेंड को मार डाला। आखिर क्यों मोहब्बत के हुए टुकड़े, देखिए एक रिपोर्ट। Thank you.
मैंने गर्लफ्रेंड को मार डाला। लिव इन पार्टनर का कत्ल, कुल्हाड़ी से मोहब्बत के टुकड़े, लव स्टोरी बनी हेट स्टोरी, सारे वादों ने इस घर में दम तोड़ा। प्रेमिका की दुल्हन बनने की ख्वाहिशें इसी घर में जमींदोज हो गईं। लव स्टोरी का हीरो गुलशन ही विलेन बन गया। बिलासपुर के कोटा थाना इलाके में पुलिस वालों के सामने जुर्म कबूल किया, कहा कि उसने प्रेमिका को मार डाला। कोटा में एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अमाली में एक लड़की अंजू यादव है जिसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस की टीम तत्काल वहां पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, FSL की टीम गई और वहां पे जांच में ये पता चला कि लड़की अंजू यादव जो है वो एक उसका सहयोगी या उसका प्रेमी कहना चाहिए गुलशन यादव के साथ में वहां पर रहती थी। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंची, घर में लड़की की लाश मिली। प्रेमिका अंजू यादव की बेरहमी से हत्या की गई थी, कुल्हाड़ी से कई वार किए गए थे। जिन प्रेमी प्रेमिका ने घर वालों से बगावत करके प्यार को ही अपना सब कुछ माना, उनके दिलों में नफरत कैसे पनपने लगी? दरअसल गुलशन और अंजू दोनों एक ही बिरादरी के हैं। दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन घर वालों की रजामंदी नहीं थी। शादी के खिलाफ गुलशन और अंजू ने परिवार के खिलाफ जाकर एक साथ रहने का फैसला किया। गाँव में ही 2 महीने लिव इन में रहे थे। उन दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ था जिसके कारण जो है जांच में पता चला कि गुलशन यादव ने उसकी जो है टंगिया से हत्या कर दी है। तत्काल पुलिस की टीम ने अलग अलग टीमें रवाना की, वहीं पासी के जंगल में जो कि वो भाग रहा था आरोपी, उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि गुलशन ने प्रेमिका को कुल्हाड़ी से वार करके हमेशा के लिए खामोश कर दिया? आरोपी प्रेमी गुलशन ने इसका भी खुलासा किया, वो वजह थी प्रेमिका की जिद। लिव इन पार्टनर के साथ रह रही अंजू शादी की जिद कर रही थी, शादी के बाद परिवार के साथ रहने का दबाव बना रही थी। इस बात को लेकर आए दिन गुलशन और अंजू में विवाद होता और विवाद में लव स्टोरी का खौफनाक द एंड। मृतिका उससे शादी को लेकर के दबाव बना रही थी जिससे वह प्रताड़ित था और वह बाद में शादी करना चाहता था जिस कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया है। सवाल है कि आखिर क्यों लव स्टोरी बनी हेट स्टोरी? बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस घर में बेटे का कत्ल हुआ, हैरानी ये थी कि मां बाप दोनों जानते थे उनके बेटे की हत्या किसने की, लेकिन पुलिस को कत्ल की खबर नहीं दी। उल्टा मां ने खून के धब्बे मिटाए और पिता ने हत्यारे के साथ मिलकर बेटे की लाश को ठिकाने लगाया। आखिर कातिल कौन है, एक रिपोर्ट देखिए। बेटे की कत्ल की रंजदार मां, मां ने मिटाए खून के धब्बे, पिता ने लाश को ठिकाने लगाया। माँ बाप ने दिया हत्यारे का साथ। बोरियों में लिपटी लाश, कुएं में दफन राज। दो साल पुराना जख्म, रिश्ते लहूलुहान। 26 साल का बेटा 3 दिन से लापता था लेकिन माँ बाप ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई क्योंकि ये माँ बाप जानते थे उनका बेटा कहाँ है। राजनांद गांव के घुमका थाना इलाके के बिजितला गांव में 15 मई की रात को माँ बाप अपने बेटे वेद प्रकाश के कत्ल के गवाह बने। कत्ल तस्वीर में दिख रहे इस आरोपी ने किया था जिसका साथ मृतक वेद प्रकाश के पिता ने दिया। इस आरोपी के साथ मिलकर बेटे की लाश को ठिकाने लगाया। उसके बाद बूढ़ी माँ ने घर में खून के धब्बे मिटाने के लिए लिपाई पुताई की। सवाल है कि कोई अपने ही बेटे की कातिल की मदद क्यों कर रहा था। घुमका थाने में एक युवक की लाश बीजतला गांव में कुएं में बोरी में भरकर मिली थी। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लगा था तो उस संदर्भ में
जांच पड़ताल की गई तो ये जानकारी हुई कि युवक करीब गांव से दो दिनों से गायब है और इसकी पहचान जो है वेद प्रकाश के रूप में हुई। कुएं में मिली लाश की घुमका पुलिस ने पहचान तो कर ली, लेकिन रिश्तों का सच बाहर आना अभी बाकी था। इस कत्ल में दो बातें ऐसी थी जो पुलिस वालों को भी हैरान कर रही थी। पहली, वेद प्रकाश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना। दूसरा, 2022 में दर्ज वेद प्रकाश के खिलाफ रिपोर्ट। सवाल ये भी कि मकतूल वेद प्रकाश के माँ बाप जिस हत्यारे का साथ दे रहे थे आखिर वो कौन है, तो सुनिए अब सिलसिलेवार खुलासे। पहला खुलासा, कुल्हाड़ी से वार करके वेद प्रकाश की हत्या करने वाला ये कातिल उसका छोटा भाई बाल मुकुंद है। युवक जो है घर में अपने परिजनों से, भाई से, माता पिता से झगड़ा करता था, तो जब इसके छोटे भाई से एक पद हमने से पूछताछ की तो उसने युवक की हत्या करना स्वीकार किया। इसने बताया कि युवक आए दिन मारपीट करता था, उसके भाई के ऊपर भी जानलेवा हमला पहले कर चुका था। छोटे भाई ने बड़े भाई की सोते वक्त हत्या की, वजह थी बड़े भाई वेद प्रकाश का आतंक। 2022 में वेद प्रकाश ने छोटे भाई बाल मुकुंद माँ और बहन के साथ मारपीट की, जिस दहशत से माँ और बहन दोनों घर से चले गए थे। वेद प्रकाश को शराब की लत थी जिसका घर में आतंक था। मृतक सो रहा था तो उसके गले पर कुल्हाड़ी से वार करके इसकी हत्या कर दी और हत्या करके अपने पिता के साथ लाश को ले जाके कुएं में फेंक दिया। और इसकी माता जो थी वो उस घर में जो खून के धब्बे को मिटाई है। इस संदर्भ में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस आतंक का ऐसा खौफनाक अंत हुआ। राजनांदगांव में राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दोनों सगे भाइयों ने मिलकर साजिश रची, ये साजिश थी जीजा के कत्ल की। दोनों सालों ने मिलकर अपने जीजा का मर्डर किया। सवाल है कि आखिर क्यों भाइयों ने उजाड़ा बहन का सुहाग। खुलासा हैरान कर देगा, इस कत्ल का कनेक्शन बीमा क्लेम से भी है। देखिए, डंडे से वार, जीजा का काम तमाम, क्यों बहन का उजाड़ा सुहाग। 13 साल के रिश्ते ने तोड़ा दम। जीजा के जुल्म का दी एंड। बीमा क्लेम 2 लाख, दो कातिल। यूपी के रहने वाले 42 साल के मुन्ना चौहान की लाश छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के परसदा गांव में तालाब किनारे मिली। मुलमुला थाना पुलिस संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश की तफ्तीश कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि ये हत्या का मामला है। मुलमुला थाना क्षेत्र के परसदा गांव के तालाब में एक अज्ञात युवक की शव बरामद हुआ था, जिसमें उसकी पहचान मुन्ना चौहान निवासी बलौदा के रूप में थी, जो इलाहाबाद में रह के मजदूरी कर रहा था तथा उसका परसदा गांव में ससुराल था। संध्यास्पद परिस्थितियों में उसका शव बरामद हुआ था, जिसमें पुलिस के द्वारा मर कायम करके विवेचना में लिया गया। आखिर मुन्ना चौहान कौन था और इसके कातिल कौन हो सकते हैं, तफ्तीश जारी थी। यूपी के रहने वाले मुन्ना चौहान की 13 साल पहले शादी परसदा गांव की रहने वाली संतोषी से हुई थी। संतोषी पिछले 3 महीने से बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। तो क्या इस कत्ल का कनेक्शन संतोषी के मायके से हो सकता है। वारदात के बाद से ही संतोषी के दोनों भाई सतीश और अमित चौहान लापता थे। शक की सुई मृतक मुन्ना के दोनों सालों सतीश और अमित पर गई। अन्य लोगों से पूछताछ के आधार पे जो मृतक का जो दोस्त रिश्तेदार जो रिश्ते में साला लगेंगे उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपराध को किया जाना स्वीकार किया गया। पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिल रहे थे जिससे दोनों पर शक गहराता जा रहा था। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। सवाल है कि आखिर क्यों भाइयों ने अपनी बहन का सुहाग उजाड़ा, जीजा का कत्ल कर दिया। तो इसके पीछे दो वजह थी। पहली वजह, शराबी जीजा का जुल्म।
आरोपियों की नाराजगी इस बात से थी कि उनका जीजा बहन और बहन के बच्चों को प्रताड़ित करता था। उनके द्वारा बताया गया कि मृतक जो है उनके अपनी पत्नी से, जो आरोपियों की बहन है, उनसे लगातार मारपीट करता था, प्रताड़ित करता था। दूसरी वजह हैरान करने वाली है, जिसमें लालच की कहानी सामने आ रही है। दरअसल आरोपियों की भांजी यानी मृतक मुन्ना चौहान की बेटी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसका बीमा क्लेम मुन्ना को 2 लाख रुपए मिला था, जिसे वो खर्च कर रहा था। दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि उन्हें भी क्लेम के रुपये चाहिए थे। लड़की की मौत हुई थी, जिसमें मृतक को मुआवजा मिला था, तो उस मुआवजे के पैसे का वो लगातार शराब पी के दुरुपयोग कर रहा था। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके साला के मध्य मृतक का विवाद हुआ, जिस पर मृतक के सालों के द्वारा एक राय होकर उनकी चोट पहुंचाएगी, जिससे मृतक की मृत्यु हो गई। लालच और जुल्म की इस कहानी में कई रिश्ते तड़प गए। जांजगीर चांपा में कैलाश कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इससे पहले शायद ही आपने ऐसी तस्वीर देखी होगी, एक हत्यारा पत्नी के कत्ल के बाद उसकी लाश के पास दिया जलाता है और फिर घंटों वहां बैठा रहा। दूसरे शहर में भी मिली घर में पत्नी की लाश। इन दो शहर में शौहर की ये थर्ड डिग्री थर्रा कर रख देगी। देखिए, शौहर की थर्ड डिग्री। बीबी की लाश के पास उसने दिया जलाया। वो घंटों लाश के पास बैठा रहा। पहले जुल्म, फिर मौन। दो शहर, खाने पर किचकिच और कत्ल। घर में पत्नी की लाश और लाश के पास जलाया गया दिया। बीबी की लाश के पास कातिल पति घंटों बैठा रहा। क्या कोई सोच सकता है कि इस महिला का कत्ल इसके पति ने किया है? धार के धामनोद में आरोपी पति मनोज पवार ने पत्नी रेणुका की बहरहमी से जान ले ली। मनोज रेणुका को 3 दिन से टॉर्चर कर रहा था, उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहा था, जिस जुल्म के आगे रेणुका ने दम तोड़ दिया। उसके बाद हत्यारे पति का ये ड्रामा। रेणुका का जिस्म नीला पड़ चुका था, जगह जगह पति के जुल्म के निशान थे। एक रेणुका पति मनोज 38 वर्ष की उम्र के आसपास के रात के समय मृत अवस्था में जो सामुदायिक स्वास्थ्य धामनोद में लाया गया था, जिसके द्वारा पुलिस कार्रवाई करके पैनल के द्वारा है जो सुबह से पोस्टमार्टम किया गया है। मनोज को शराब पीने की लत थी। आए दिन विवाद और 3 दिन पहले खाना अच्छा नहीं बनाने को लेकर झगड़ा किया। 3 दिन से लगातार शराबी पति मनोज पत्नी की पिटाई कर रहा था, जिस जुल्म ने रेणुका की जान ले ली। हमने अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसमें आगे जांच करते पता चला कि उसके पति द्वारा ही लगातार प्रताड़ित करते हुए, मारपीट करते हुए उसकी हत्या कारित की गई, जो उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। धार की बात अंबिकापुर में सिसकते रिश्तों की दास्तां। यहां भी शराबी पति ने बीवी की सांसें छीन ली। वजह वही थी, खाने पर किचकिच और खूनी खेल। अंबिकापुर के मेन पार्ट कमलेश्वर थाना इलाके का पेगा गांव रिश्तों के कत्ल का गवाह बना। वारदात वाले दिन खाना नहीं बनाने की बात को लेकर शराबी पति के सिर पर खून सवार हुआ और घर में एक रिश्ते की लाश बिछ गई। पति पत्नी में जो होता था वो आए दिन घरेलू विवाद को लेकर के, घरेलू बातों को लेकर के विवाद होते रहता था, जिसमें कि पति जो था वो उस दिन पड़ोस में शादी हो रही थी वहाँ पर गया था और पत्नी को ये पहले ही बता करके गया था कि खाना बना करके रखना। और जब पति जो है वो शादी के बाद अपने घर आया
तो पत्नी जो थी वो घर में उसके लिए खाना नहीं बनाई थी और थोड़ा सा लेट हो गया था। इसी बात को लेकर के आवेश में आकर के टांगी के बेस से उसके चेहरे पे और सिर पे जो है प्राण घातक वार की और पत्नी की हत्या। तो शहर में शोहर की ये थर्ड डिग्री थर्राने वाली है। धार में नवीन मेहर और अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।